नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अजिता। संजय गांधी अस्पताल में कोरोना पेशेंट की मौत और उसके शव बदलने के मामले में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर गठित की गई टीम कोविड 19 वार्ड प्रभारी राकेश पटेल को निलंबित कर दिया गया था, जिसके विरोध में कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों ने प्रशासनिक लापरवाही होने की बात कहते हुए चिकित्सक पर गलत कार्यवाही का आरोप लगाया है, वहीं निष्पक्ष जांच कर उन्हें बहाल करने की मांग की है। आइए सुनते हैं विरोध करने वाले और प्रशासन का क्या कहना है। जैसा कि अभी 8 तारीख को विवेक कुशवाहा जो मऊगंज के रहने वाले थे, उनकी संजय गांधी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। उनके मृत्यु के पश्चात जो प्रशासन था वो डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित किए हैं। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि एक डॉक्टर का काम होता है, वो जब तक व्यक्ति जिंदा है उसकी सेवा करना, उसकी सहायता करना, स्वास्थ्य का उसका परीक्षण करना, उसकी जांच करना। लेकिन उसके जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात वो डॉक्टर की जवाबदेही वहीं से समाप्त हो जाती है। बल्कि ये जवाबदेही जो होती है वहाँ के जो प्रशासन होता है, उस प्रशासन की जवाबदारी होती है और जो अन्य कर्मचारी होते हैं उनकी जवाबदारी होती है। जिसके लिए जबकि इसके लिए डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था, इसकी एक जांच होनी चाहिए थी। जांच होने के पश्चात जो भी इसमें दोषी होता उस दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। डॉक्टर राकेश पटेल सर के साथ में गलत हुआ है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। SGMH में 2 मृत्यु हुई थी कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट्स की, और उसके संबंध में शव परिवर्तन के जो कार्रवाई हुई है जिसमें डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित किया गया था, उसके बहाली के और तथा इसकी जांच के लिए विभिन्न संगठनों के लोग आए थे और इसमें जांच कार्यवाही प्रचलित है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसी तरह बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।